सात बार हम सिक्योरिटी में रहे इंडियन आर्मी की। पहली बार मैं ऐसे बेड पे सो रहा हूं। 47 मिनट ये दिखा रहा है, जाम लग रहा बहुत कैडा। ये वाला जो एरिया है ये लैंडस्लाइड वाला। हेलो गाइस, क्या हालचाल है आपके भाई। मैं आके सो गया था, हम आए वहां 11 बजे के आसपास, मतलब 10:30 के आसपास। और वो तो जब आए, जब हम कहीं बैठे ना, एक वहाँ वो चला है लंगर तो हम लगा लो सीधा है कहीं एक सेकंड के लिए भी बैठे ना। परिक्रमा करने के बाद अब जो मजा आ रहा है ना, वो लगा लो जिंदगी का सबसे बढ़िया मजा है। मैंने तो अपने पैर भी थोड़े देना सेक लिए, क्योंकि पता ना अंदर दर्द सा हो रहा था पैरों में। अभी लास्ट बार तुम दर्शन कर लो, देखो ये वोरा मंदिर। ठीक है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं। अभी आने के बाद हम सो गए थे, अब नहा के रेडी होके मैं कब चलते हैं श्रीनगर की तरफ। जितना भी चला जाएगा हम 100-200 किलोमीटर, पटनी टॉप आएगा बीच में, हो सकता है हम पटनी टॉप रुक जाना, क्योंकि आज मेरा मन है कैंपिंग करने का। एक दिन हम होटल में रुक लिए, अब एक बार कैंपिंग करके देखते हैं कि जो वो डिग्गी में सामान इतना सारा भरा पड़ा है तो उसका यूज भी तो करें। एक बार यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं टेंट लगाएंगे या फिर किसी रूम में रुकेंगे, जैसा भी होगा मैं आप तो देख लोगे। तो एक बार चलते हैं, चलो। तो भाई हमारा सामान जा रहा है, ये वाला मेरा बैग भाई, ये बहुत भारी है भाई। अभी जिसने सोचा था कि इस वाले ने ले जाऊँ उठा के, पर एक ही उठा तो ये वाला दोबारा दूसरे चक्कर में लगेगा। पटियाला तू अपना अपना आप ले जाएगा। ये पटियाला का भाई देख लो, मैं इस कलर का फैन होगा, जाते ही लेकर आऊँगा एक। मुझे गिफ्ट कर देने वो बैग। चले भाई चले, कहाँ प्रसाद ये रहे भाई, प्रसाद ले लेता हूँ मैं। ये 3 वो गठड़ी में मेरे को कैसे लेकर आया था, मतलब ये ऐसा अटका कर लेकर आया था भाई। चेक कर लिया कोई टूट फूट कुछ? फिर ठीक है, ये लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये जरूरत है बिल बिल की, तो भाई ये रखवा भाई। ये खड़ी हमारी थार, ठीक है, इसमें सामान फिट करवाने हमारे 20 मिनट ख़राब हो जाएंगे। मैंने सोची थी कि एक बार वहाँ जाऊँगा जियो के उसमें स्टोर में, पर नहीं बनेगी बात। अभी 6 बजे वो बंद हो जाएगा, अभी टाइम हो रहा है 5:45। अरे है तो यहीं, जो ऊपर है बंद है, संडे है ना, जो भाई बता रहा है भाई संडे है, संडे को बंद है। ना ऊपर है, ऊपर बता रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, संडे तो मंडे। हाँ तो मंडे मतलब कल करवाएंगे भाई जियो स्टोर का, अगर श्रीनगर के आसपास कहीं मिलेगा तो है, चल तो वहीं करवा ले, नहीं तो एक और सिम ले ले। ले यार एक बार, वहाँ काम करे ना करे यो वाली क्या नाम है एयरटेल वाली भाई, यहाँ तक अपलोड लेगा तो ले ले। तेरा भाई 2 फोन ले गया यार रे, ना वो ड्रोन वाला गेमिंग वाला भी लेकर आयो ना, वो ड्रोन उसी तरह उड़ेगा। वैसे तो फुल तैयारी तो आया हूँ मैं, पर देखो क्या रहेगा। ये आगे हम पटनी टॉप 45 किलोमीटर, जो ये रामबन दिख रहा है ना तुम्हें, ये रामबन भाई यहाँ जाम लगे बहुत तगड़ा, मतलब इससे पहले ही जाम लगेगा जो कि पहाड़ी ते आवे ना, मतलब लगा ले पटियाला अगर कुछ हो रखा हुआ वहाँ, तो पत्थर वत्थर गिर रखा हुआ तो टाइम लगेगा हमें कम से कम 3-4 घंटे। ट्रेवल तो आया था मैं, तो मैं कह रहा था कि भाई अगर बाय चांस गाड़ी रोक दी, दो रास्ते हैं वहाँ, एक आर्मी वाले आवे वहाँ से, तो नुकरा अगर यहाँ से निकल गए तो ठीक है, नहीं तो दो तीन दिन खड़े रहे हैं। हमने भर रखा है पटनी टॉप में, अभी ये लगा लो 47 मिनट ये दिखा रहा है, और ट्रैफिक है यहाँ बहुत कैडा। ये थोड़ा सा आगे लियो भाई, देखो भाई ये वहाँ तक, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गलत फंस गए भाई हम, देखना बहुत दूर तक का जाम है वो वहाँ तक का। अभी कोई आइडिया ना है कि कितनी देर में खुलेगा कितनी देर में ना खुलेगा, अब क्या करा जाए। मैं सोच रहा हूँ कि हुक्का पी हमें बहुत दिन हो गए, तो अपना यहीं आज वाँच करके अपना कर लेते हैं रेडी, क्योंकि इसका ना पता अगर चल गई गाड़ी थोड़ी बहुत भी चली तो वो थोड़ी सी जो आँच होएगी ना वो भरने में थोड़ी दिक्कत आएगी हमने, पर कोई बात ना भर लेंगे। मुझे लग ना रहा कि वो जल्दी सी शुरू होएगा। यहाँ भाई सब आगे बैठ गए, सब देखो कैसे निकल निकल बैठ गए गाड़ी में। ओए वो चसालो हुक्का। जतिन भाई। यस भाई। भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। ये क्या ले रहे हो? आलू बुखारे। अच्छा आलू बुखारे ले रहे हो। जो जाम लग रहा है ये लग रहा है 2 घंटे के लिए, ठीक है। तो हमने अपना यो कर दिया है चालू, ये ऊपर में आज हो गई है, अब अपना मस्त पियेंगे हुक्का भाई। 2 दिन हो गए हमने, एक कितनी तारीख ने गए थे हम, 30 ने निकले थे, एक ने ना पिया, अब 2 ने पियेंगे इस टाइम। अब यहाँ बैठ के ना पिए हम, यहाँ नीचे तुम जैसे देख रहे हो ना, यहाँ आगे भी बैठे लोग, यहाँ ना पिए हम, बैठ के पियेंगे यहाँ ऊपर बैठ के। जो जाम ना खुला है मुझे ऐसा लग रहा है 2 घंटा। अभी जो हमारा भाई था मैं वो देख गया, यहीं का है, यहाँ नीचे दुकान थी आलू बुखारे, सब्सक्राइबर ही था, तो उन्होंने कह रहा कि भाई अभी 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे तक आप ये उका पी सकते हो। मैंने ठीक है तो अपना उका पी लेते हैं। ये रख लिया भाई मैंने अपना ऊपर, और वहाँ आ छोरी है और यहाँ हम पियेंगे बढ़िया। सुन तम्बाकू वो रखियो नॉर्मल सा, और देख कितना तम्बाकू ये रखा, देखियो भाई आपने पिया ही नहीं आज तक। अच्छा जी MP में चलता ही नहीं है क्या? नहीं। अच्छा जी ये अपने हरियाणा में ही है ज्यादा कर, है ना, हरियाणा में ही बहुत पीते हैं। हाँ हरियाणा में पीते हैं। गाइस जाम खुल गया और मेरा जो
सपना था अपनी गाड़ी में बैठ के पीता आराम से मस्त एक नंबर जाम में, पूरे के पूरे यहाँ ट्रक खड़े चारों तरफ जाम लगा हुआ और मैं छत पे बैठ के हुक्का पीता, ऐसे बाहर आ रहे थे जैसे गाड़ी में जो हुक्का रखा था ना तो सब देख देख के आ रहे थे। हाँ भाई हरियाणा था वो, मैं कहा भाई हरियाणा से। अभी फिलहाल जो खुल चुका है, अगर थोड़ी देर और रुक जाता तो हम भर लेते अपना बढ़िया ढंग था, अभी फिलहाल इतनी आँच हुई है कोई बात ना, इसने सड़का देगा पटियाला, ले भाई पटियाला खींच के ले। मैंने सोचा था कि तुम्हें सीधा श्रीनगर जाके दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ तो भाई ऐसा है नीचे नीचे तारे जा रहे हैं कि अभी नहीं, 4 बजे तक एंट्री बंद है, 4 बजे के बाद ओपन होएगी, सुबह खुलेगी, सुबह खुलने के बाद हम कहीं आगे जा सकते हैं, नहीं तो नुकरे भाई 4 बजे तक यहीं स्टे करो, 4 बजे के बाद तुम इस लाइन में आओगे फिर जाएंगे। तो ये 26 मिनट का जाम पटियाला ये पड़ गया हमने, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी तो बज रहे हैं भाई 10:30, 10:30 हुए हैं बस। हाँ। ओहो इस तो बढ़िया था, हम पटनी टॉप रुक लेते यार, मैंने सोची पटनी टॉप छोड़ सीधा श्रीनगर लगा, यार क्या ही हो गया ये, अब यहाँ देखते हैं कहीं स्टे वटे का कुछ बता रहे हैं तो वहाँ रुकते हैं, उसके बाद सुबह निकलेंगे 4 बजे। खड़ी है देखो कितनी गाड़ियाँ, ठीक है हमने कर दी यहाँ, अब यहाँ भी पुलिस वाले आगे भाई की भाई ऐसे है यहाँ से हटाओ, मैं सर थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, आप मान लो हमारी आशंक नहीं है कि हम पीछे जावें यार फिर वहाँ तक वापस आवें पैदल पैदल, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन भाई अमरनाथरा के लिए वो लगा लो बहुत बढ़िया सुविधाएं कर रखी है, नीचे लंगर चल रहा है और 25,000 लोगों का वो है स्टे का कि भाई यहाँ रुक सकते हैं। अभी जो ऑफिसर आए थे वो बता रहे थे कि पहले सिक्योरिटी वाले जाएंगे, मतलब आर्मी जाएगी सिक्योरिटी आपके लिए, उसके पीछे पीछे तुम्हारी गाड़ी जाएगी श्रीनगर तक, है भाई ऐसा सीन है ना, पहले उनका कारवां चलेगा, कारवाई की गए, हाँ कार्रवाई कार्रवाई पर भाई बढ़िया बढ़िया चीज है, मुझे एक नंबर चीज लगी कि सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होकर जाएगी, सीधा सेफ्टी है इसमें पूरा, बहुत बढ़िया चीज है। हमारा मन कर रहा है कि हम होया में पर वो पर्ची वर्ची कटे, वो पर्ची भी यहीं कट जाएगी, लेकिन भाई नीचे पूछ गए 12-13 किलोमीटर की पड़े, हाँ तो देख लेंगे जैसा भी होगा, अभी नीचे वो लंगर में जी नहीं आते हम, ठीक है चल भाई चल। अभी बज रहे हैं 11 और हमें जो यहाँ से जाने देंगे वो जाने देंगे 3 बजे के बाद, मतलब 4 बजे रोड पे चढ़ने देंगे श्रीनगर के, तो देखेंगे कोई दिक्कत वाली बात ना, 4 बजे चले जाएंगे, इतना लंगर ले लेंगे 2 बार, एक बार अब ले लो एक बार सुबह ले लो, और रेस्ट का कुछ हुआ तो भाई थोड़ी देर लेट लेंगे यार, मैं इतना बढ़िया पटनी टॉप रुक जाता भाई सुबह सुबह 4-5 बजे वहां से निकल लेते, पर पता ना था ना हमने, बैठ आ जी, हाँ हाँ भाई पा भी सके, एक बार चल के दिखाऊं, चल के दिखाऊंगा तुम, ये लंगर तो नहीं लग रहा भैया, ये तो 5-स्टार होटल लग रहा है, ये सब का कैंप है, हाँ तो जो भी है, पर भाई देखना कितना बढ़िया है ना, देखना यार है ऐसा पैसा देने के बाद भी ना मिले ना, 6-7 बजे आते हैं, 6-7 बजे से यहाँ आ जाते हैं मस्त, यहाँ रुकते हैं आराम से, बढ़िया चीज बना रखी है कसम से, और अभी हमने बेड भी देख लिया अपने, 3 बेड मिल गए हम तो अलग अलग, वैसे हम सो रहे थे एक पे ही, यहाँ 3 मिले, मैंने ऐसे क्या लग रहा है भंडारे में छुपी और मिर्च भी होगी, सब कुछ मिलेगा तुझे भाई सब कुछ, देखना ना भाई चका चौंधा देखो, जय बाबा की भाई, हॉस्टल में रह रहे थे ऐसा सीन, तेरी कसम पहली बार मैं ऐसे बेड पे सो रहा हूँ, हॉस्टल तो गए ना कॉलेज ना गए, सुन मैं तो पहले भी सोया, तू कब सोया, मैं एक बार शिमला चला गया था 7-8 जने थे हम, तो ऐसे वैष्णो देवी में भी ऐसा ही है जैसे भवन लेंगे ना, तो वैष्णो देवी में हम गए थे वैसा था नॉर्मल सा, हम रुके कटरा में ऊपर जो भवन है उसमें, पर भाई जो भी है एक नंबर चीज है, बड़ी जल्दी उठे गए तुम तो, भाई इतनी लंबी चढ़ाई करके आए यहाँ तक वहाँ जाना पड़ा, सुबह सुबह हालत खराब होगी, एक पैरों में दर्द वैसे ही हो रहा था सुबह सुबह, भाई अभी फिलहाल तो अभी जाएंगे ना, ये बस जान लगी थी हमारी गाड़ी का, कितनी गाड़ी खड़ी है भाई, ये गाड़ी निकल ली है सारी की सारी, अभी हमारी गाड़ी भी खड़ी है वहाँ, उसे भी लेके निकल रहे, बहुत सारी बस तो लगा लो निकल के लगे हैं है ना, चलो तो चलो ये खड़ी है अपनी थार, और मैं इसको ले लेता हूँ आगे, ओए तुम तो बैठ सको आराम से, हाँ बैठ जाओ तो, पर मेरी साइड से खिड़की ना खुलेगी इसलिए मैंने बैठ जाना था, इंगे सारी की सारी पब्लिक चल चुकी है गाइस, और रात भर हम सिक्योरिटी में रहे इंडियन आर्मी की, वो तो बढ़िया लगा और बढ़िया नींद आई, सुकून तो नींद आई कि कोई खतरा नहीं कोई कुछ नहीं है, पटियाला तेरे भी सुकून था ही, भाई मजा आगा नू लगा लो, खाना खाया हमने रात ने, खाना खा के सीधा सोए, अब उठे हम 3:30 बजे, टाइम भी 3:30 हो रहे हैं, अब हम यहाँ से निकलते हैं, 4 बजे की उन्होंने बोला था कि 4 बजे हम यहाँ से निकल जाना, पर हम अभी निकल रहे हैं साथ साथ, गाइस कल हमें इस रास्ते से जाना था, ये इस वाले थे हमें भेज दिया था अंदर नीचे की तरफ, पर अब रास्ता हो गया पूरा पूरा खुला, अब निकलो कितनी गाड़ी खींच के, ये वाला जो एरिया है ये है लैंडस्लाइड वाला, जो नु कहवे ना कि पहाड़ खिसक रहे हैं, अब ये वाला पहाड़ है भाई, वो इसी वाले रास्ते की मैं बात कर रहा था, ये देखो यहाँ तो सीधे पत्थर आवे नीचे और यहाँ गिर जावे, पर अभी फिलहाल रोड राड बिल्कुल क्लियर है, अभी जाने में कोई दिक्कत नहीं, पर देखना कैसे कितनी मिट्टी पड़ी है, ये आ गया है रामबन वेलकम यू,
पर हमें यहाँ से निकलना है तो अब श्रीनगर रहेगा हमारा यहाँ तक 130 किलोमीटर का रास्ता रहेगा। पर ये थोड़ा सा रोड खराब है, नहीं तो भाई खींचो खींच है सब कुछ, खाली पड़ा है अभी फिलहाल यहाँ। अगर थोड़ा रोड ठीक होता ना तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते। इतना लंबा सफर तय करने के बाद और ये जाम देख लो तुम भाई, यहाँ श्रीनगर वाले रास्ते पर जाम लग रहा बहुत कैड़ा। लेकिन यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना ये वाली पहाड़ी का, ओहो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अभी सूरज निकलेगा। सूरज उदय इसी साइड तो होता लगे हैं भाई, तो कैडा क्वेश्चन पूछ लिया एकदम, तो ना बताएंगे। ना 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 भाई यो ये देख ना रहा तू, यहाँ तो देख यहाँ ऐसा सीन है पश्चिम में गिरा। अब मुझे यो पूरा पश्चिम का तो बेरा ना, देख यहाँ ऐसा व्यू है ठीक है, उसके बाद आ जाओ धीरे 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 करके और भाई यहाँ जाओ। यहाँ तो थोड़ा सा मुझे उजाला लग रहा है, ये देखो लग रहा है तुम्हें भी। जिंदाबाद इंडियन आर्मी, जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। सुबह हो लिए भाई और यहाँ जाम में हम खड़े खड़े बहुत लगा लो टाइम होगा है। 7 बजे खोलेंगे ये, 7 बजे छोड़ेंगे यहाँ से, चालू हो जाता है देखो वहाँ तक हो जाता है ठीक है, वहाँ तक यहाँ आ जाओ के पीछे थे। हाँ और वहाँ से वहाँ आ जाओ, ये देखो बहुत कैडी, मतलब कि यो वाला रोड भी इन्हें बंद कर दिया है। अरे अभी तो चल रहा था यो वाला रोड, 3 बजे खड़े हैं, 3 बजे के शाम का। अच्छा जी, कल शाम ने इनने टनल पार करवा दी थी है भाई, रो भाई छाती इनकी तो। फिर के नाम है, फिर वहाँ वापस भेज दी दूसरे टनल वाले ने। अब 7 बजे तक जो निकल सके, 3 बजे के बाद कोई एंट्री ना यहाँ है। अच्छा जी, दोपहर के 3 बजे के बाद। हाँ दोपहर के 3 बजे के बाद। ओ ये हमारी इंडियन आर्मी खड़ी है भाई, बनिहाल के कैप्टन इंडियन आर्मी से, बहुत बढ़िया लगा इनसे मिलकर है ना पटियाला। 26 साल अभी तक 25-26 साल के हैं और भाई कैप्टन है। बहुत देर के बाद रास्ता खुल गया है भाई, अभी एक भाई आए थे सब्सक्राइबर मिले तो कह रहे कि भाई आप सही रहा 3 बजे, कल ना आए, अगर कल आ जाते ना शाम को तो आपको वापस भेज देते, फिर 3 बजे दोबारा आना पड़ता। मैं कहा भाई सही रहा, मैं ना रुका पटियाला, वहां ना रुकते ना तो यहीं आ जाते हम डायरेक्ट, यहाँ तक हम वापस जाते। मतलब ये था कि हम इंडियन आर्मी ने वहाँ उसमें भेजे जहाँ वो लंगर वगैरह चल रहा था, यात्री रुके हुए थे तो वहां भी रुकना था और यहाँ भी रुकना था। सुबह की राम राम आपको श्रीनगर से। गाइज हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर और यहाँ एक खास बात यह है कि जो घर बन रहे हैं ना ये देखो कितने बढ़िया बन रहे हैं, मतलब जैसे बर्फ पड़ती होगी पे तो नीचे आकर गिर जाते हो, ये अपना आती है ना। जैन सर, जैन इंडियन आर्मी के साथ देखो ये जा रहा है डॉग, यो सूंघता उड़ जा रहा है भाई पूरा सो, यो भी इंडियन आर्मी में, सही बात है। अभी ना वो लेकर जा रहे थे टी 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 मशीन करते और मतलब साइड में कुछ भी, हाँ कुछ भी जो है वो चेकिंग चल रही है भाई यहाँ कैडी। चलो तो गाइस आप लोगों ने अगर ये वीडियो तक देख लिया तो उसको लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, मिलता है फिर नई वीडियो में। आगे की जर्नी देखते रहना तो मेरे साथ रहना, मुझे भी मजा आएगा फिर व्लॉग करने में।